गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सबका नवभारती प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 का जो क्वेश्चंस बच रहे थे 11th से 16th तक के, वो हम करेंगे चैप्टर 1 के। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रिलेशन है आर, वो कैसे सेट ए में है, और जो सेट ए है वो डिफाइन किया, जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है, P क्या होगी फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जहाँ पर P है जो डिस्टेंस है P की ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये गिवन है कि जो रिलेशन है आर वो ऐसे डिफाइन किया गया है पी और क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो किसके बराबर है, क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से। हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए ए बिलोंग करना चाहिए आर में, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और ट्रांजिटिव, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव हमने ले लिया P और P। ठीक है, रिलेशन ले लिया P और P, तो P और P लिया तो यानी कि डिस्टेंस जो कि P की, ये हमारा ओरिजन है। ठीक है, ये हमारा ओरिजन है और ये हमारा P है, ये हमारा क्या हुआ, तो जब ओरिजन O से P की डिस्टेंस होगी, वही ओरिजन P की दोबारा डिस्टेंस देखेंगे, दोनों बराबर ही होगी, यानी कि दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, वो बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम टू इटसेल्फ। ठीक है, जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से पी की वो सेम रहेगी खुद की खुद से, मतलब कि पी की इमेज जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, वही डिस्टेंस दोबारा देखेंगे ओ से पी के बीच में, तो दोनों बराबर ही आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम देखो, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, ए भी बिलोंग करना आर में, तो हम ले लेते हैं आर में पी क्या बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, पी क्या बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी कि क्या आर क्या पी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम पहले पी क्या को लिखते हैं, पी क्या किसके बराबर है बिलोंग कर रहा आर में, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ये देख सकते हैं हम कि जो पी की डिस्टेंस ओरिजिन से,
और क्या ओ की डिस्टेंस ओरिजिन दोनों बराबर है तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से है वो पी की डिस्टेंस ओरिजिन के बराबर होगी, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, क्यू कॉमा पी बिलोंग कर रहा है आर में, हम लेके चले थे पी क्या बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या आ गया क्या ओपी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया यही पी क्या बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो पी क्या हुआ बिलोंग कर रहा है आर में, और दूसरा हमने ले लिया क्या बिलोंग कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये होगा। दूसरा हमने ले लिया क्यू एल वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पर देखो जो ओरिजिन से पी की डिस्टेंस है वो क्यू ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस से बराबर है, लेकिन क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से वो किसके बराबर है एल की डिस्टेंस ओरिजिन के, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एल फ्रॉम ओरिजिन, तो हम यहां से लिख सकते हैं पी एल है वो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। हम लेके चले थे पी क्यों बिलोंग कर रहा है आर में और क्यों एल बिलोंग कर रहा है आर में, आया क्या हमारे पास पी एल बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया हमने, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, तो क्या हो गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। अब इसके आगे हमें शो करना है कि कोई पॉइंट पी है उसमें हम कोई भी रिलेट करते हैं उसके अलावा, ठीक है, तो वो क्या ओरिजिन से पास होगी। तो हमने ले लिया पी पॉइंट है जिसके बराबर हो गया पी वन पी टू पी थ्री सो ऑन पी एन, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो ओ पी वन यानी कि ओरिजिन से पी वन की डिस्टेंस, ओ पी टू यानी कि ओरिजिन से पी टू की, ओ पी थ्री ऐसे चलता जाएगा ओ पी एन, ठीक है। ठीक है, ये सब हमने मान लिए आर के बराबर है, आर डिस्टेंस के, ठीक है। तो जब सारे के सारे एक ही डिस्टेंस के बराबर है तो क्या होगा, ये रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है यानी कि एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये सर्कल बना रहे हैं, सबकी रेडियस क्या है आर, ठीक है, ये मतलब ओरिजिन से ये है ओ पी वन, ये पी टू पी थ्री ऐसे चलता जाएगा, तो जब सबके डिस्टेंस बराबर होगी तो ये क्या बनाएगा सर्कल बना लेगा, ये है ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या बनाएगा एक सर्किल। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पी से रिलेटेड पॉइंट्स है वो क्या बनाएंगे सर्किल बनाएंगे ओरिजिन से पास होने के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन आर है वो डिफाइन किया गया सेट ए में, कैसे कराया कि टी वन टी टू टी वन और टी टू लिए है, ठीक है, कोई दो एलिमेंट लिए सेट ए के और उनको डिफाइन कैसे किया गया है
T1 है वो सिमिलर है T2 के, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया है। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के क्या करना है हमें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये प्रूव करने। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेके चलेंगे, हमने ले लिया T1 और T1 बिलोंग कर रहा है R में, जब T1 बिलोंग कर रहा है R में तो हम कह सकते हैं T1 इज ए सिमिलर टू इटसेल्फ। T1 खुद के तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि T1 के जैसा ही होगा, तो T1 ले लिया हमने R में, तो क्या होगा, T1 तो खुद के जैसा तो होगा ही, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक के लिए लेके चलते हैं, हमने ले लिया T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा फिर, T2 T1 बिलोंग कर रहा है R में, ये प्रूव करना है। तो हमने लिया T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के जैसा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, T2 T1 बिलोंग कर रहा है, तो हम लेके चले थे T1 T2 बिलोंग कर रहा है, आया क्या T2 T1 बिलोंग कर रहा, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि T1 है वो सिमिलर है T2 के। अब हमने ले लिया T2 T3 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T3। अब यहाँ पे देखो T1 तो T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 इज सिमिलर टू T3, यानी कि T1 T3 बिलोंग करेगा R में, ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्टिव, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे हमें इसमें शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या दे दिया, T1 की वैल्यू 3, 4, 5, T2 की वैल्यू 5, 12, 13 और T3 की वैल्यू 6, 8, 10, तो हमें इनके बीच का जो रिले कैसे रिलेट कर रहे हैं वो बताना है। T1 है 3, 4, 5, T2 है 5, 12, 13, T3 है 6, 8, 10, 11, ठीक है, सॉरी 6, 8, 10 तक ही है, ठीक है, हमें बताना है कैसे रिलेट कर रहे हैं। हम T1 और T3 को लेके चलते हैं, T1 upon T3, तो T1 का पहला एलिमेंट क्या है 3 और इसका पहला एलिमेंट 6, इसके बराबर है 1/2, ठीक है। अब हम सेकंड को लेके चलते हैं, सेकंड 4, 8, इसका भी क्या है 1/2, थर्ड एलिमेंट लेके चलते हैं 5 और 10, ये भी 1/2, यानी कि दो ही वैल्यूज क्या आ रही है इनकी 1/2 कॉमन आ रही है, तो ये क्या कर रहा है T1 रिलेट, T1 इज सिमिलर टू T3, रिलेट कर गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई अब R द रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट A में, सेट A क्या है पॉलीगन्स है R P1 P2 है, उनका जो साइड का नंबर है वो सेम होगा, तो हमें R क्या बोला गया है P1
पी टू, ठीक है। आर हमें पी वन पी टू बोला गया है और साथ में बोला है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी टू, ये हमें बोला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के क्या करना होगा, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव, ये तीन चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, हम हमने ले लिया पी वन बिलोंग कर रहा है आर में, पी वन बिलोंग करेगा तो ये क्या होगा, इसकी साइड भी इक्वल होगी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन, यानी कि पी वन की जो साइड्स है वो खुद की साइड्स के बराबर होगी, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक के लिए लेके चलेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर रहे हैं, पी वन को हम पी टू लेके चल रहे हैं, वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी टू, यानी कि जो पी वन की साइड्स के नंबर है वो पी टू की साइड्स के नंबर के बराबर होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको फिर ये कर सकते हैं, पी टू कोमा पी वन बिलोंग कर रहा है, पी वन पी टू लेके चले थे, पी टू पी वन आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमने ले लिया पी वन पी टू बिलोंग कर रहा है आर में, पी वन पी टू बिलोंग कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी टू। दूसरा हमने ले लिया पी टू कोमा पी थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी थ्री, ठीक है। जब पी वन की साइड पी टू की साइड के बराबर और पी टू की साइड पी थ्री के, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पी थ्री, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, पी वन पी थ्री बिलोंग करेगा किसमें, आर में, ये जब बिलोंग कर लेगा आर में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होते क्या हो गए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके आगे हमें बताना है कि जो सेट एलिमेंट दे दिए हमें ए के, वो रिलेट कर रहे हैं ट्राइंगल टी से थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो बताना है उसमें कैसे रिलेट कर रहे हैं, ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी साइड दे दी हमें थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या होगी, एक दूसरे के बराबर, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए, ए क्या हमारा यहाँ सेट ए है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ ट्राइंगल टी, ट्राइंगल टी की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या होगी, इक्वल होगी, या सिमिलर लिख देते हैं, ठीक है, या सेम लिख दो, इक्वल लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो इक्वल होगी किसके, इटसेल्फ के, ठीक है। ये इसका रिलेशन आ गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोई एल है वो सेट हैगा, वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है L1 है वो पैरेलल है किसके, L2 के, ऐसे डिफाइन किया गया। और हमें क्या प्रूफ करना है, R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए वही हमें फिर तीन चीज प्रूफ करनी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव लेके चलेंगे। तो क्या लेके चलेंगे, L1, बिलोंग कर रहा है R1 R में, तो L1 बिलोंग कर रहा है R में, तो यानी कि क्या होगा, L1 खुद के पैरेलल होगा L1 के, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ये हमने L1 ले लिया, ठीक है, तो L1 तो खुद के पैरेलल होगा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हमने ले लिया L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि L1 है वो पैरेलल है L2 के, ये हमने ले लिया L2। L1 L2 के पैरेलल है, तो हम ये भी बोल सकते हैं L2 L1 के पैरेलल है। हम इस क्या लिख सकते हैं, L2 पैरेलल है L1 के, तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, L2, L1 बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या हो गया ये, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखो, हमने ले लिया L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि L1 पैरेलल है L2 के, और दूसरा ले लिया हमने L2, L3 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि L2 पैरेलल है L3 के। तो हम यहाँ पर देखो, ये हमने L1 पैरेलल कर दिया L2 के, और L2 पैरेलल कर दिया L3 के, तो हम देख रहे हैं ऐसे L1 और L3 भी पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं L1 पैरेलल L3, तो क्या है, L1, L3 बिलोंग करेगा R में, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के लिए क्या होगा, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके आगे भी बताना है, फाइंड करना है जो इस दे रखी लाइन दे रखी है y = 2x + 4, ये कैसे रिलेट कर रखी है। जब हमें प्लेन ऑफ लाइन दे रखी, प्लेन ऑफ लाइन जनरली किसके बराबर होती है, mx + c, और ये जो m है वो किसके बराबर होता है, स्लोप के। कंपेयर करेंगे इस गिवन लाइन से, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो हम क्या करेंगे, y है वो किसके बराबर हो गया, 2x + c, तो जो ये लाइन है ये इससे रिलेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई रिलेशन दे दिया R, 1, 2, 3, 4 सेट हैगा उसका। ठीक है, इसको हम नाम दे देते सेट A = 1, 2, 3, 4, और उसका रिलेशन डिफाइन किया गया है ऐसे। ठीक है, तो हमें बोला ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है ये सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन हमें इनमें से क्या बताना है कि कौन सी सही है। तो हम पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, A बिलोंग करना चाहिए R में, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4, ये चारों एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए इसमें, तो 1, 1 है, 4, 4 भी है, 2, 2 भी और 3, 3 भी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव है यहाँ पर। अभी इसमें देखो सिमेट्रिक बोला है साथ में, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है, 1, 2 दे रखा है। ठीक है, क्या 2, 1 है, नहीं है, 1, 2 तो दे रखा है बट 2, 1 नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, तो ये वाला आंसर गलत। अब हम यहां देखते ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो हमारे पास दे दिया 1, 3 बिलोंग कर रहा है R में, 1, 3 ये, और दूसरा हमने ले लिया 3, 2 बिलोंग कर रहा है R में,
तो क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 ये ना, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव। तो ये बी जो दूसरी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ये वाली कंडीशन क्या होगी करेक्ट। सेकंड क्या थे, थर्ड क्या था कि आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है नहीं तो ये वैसे ही गलत। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में क्या होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होनी चाहिए, सिमेट्रिक ही नहीं है तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन, आर का रिलेशन है सेट एन में नेचुरल नंबर में जिसको डिफाइन किया गया है ए बी, ए है वो बी माइनस टू के बराबर है, यानी कि ए की वैल्यू जो है एक्स जो है वो वाई से 2 कम होगा, ठीक है पहली कंडीशन। तो पहले देखेंगे यहाँ पर एक्स जो है वाई से 2 कम है, ये भी है, ये है, ये नहीं है, ये गलत। 6 8 हाँ ये भी है, 8 7 ये नहीं है, तो ये कैंसिल। आगे कंडीशन दे रखी है बी की वैल्यू क्या होगी 6 से बड़ी, यानी कि जो वाई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 6 होगी। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन वाई की वैल्यू 6 क्या है 8, यहाँ पर 8 सॉरी ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ देखो इसकी वाई की वैल्यू क्या 4, ये 6 से बड़ी नहीं है, तो ये आंसर गलत। आंसर क्या हो गया हमारा सी करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है।